मोदी महोदय जी ने, उद्धव साहब जी ने सबको आह्वान किया है कि ब्लड डोनेशन कीजिए, और उस हिसाब से शिवसेना की ये शाखा और CWC के माध्यम से ये ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रहा है। आज ब्लड की बहुत ज़रूरत है मुंबई को, और ये ज़रूरत हम सभी लोग मिलकर पूरी करेंगे। इसके पहले भी शिवसेना ने इसमें बहुत बड़ा विक्रम किया है। शिवसेना का नाम ब्लड डोनेशन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो ये टाइम शिवसेना कैसे पीछे रह सकती है। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे जी ने भी आह्वान किया है, युवा सेना के भी सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित है, तो ये ब्लड डोनेशन आज सम्मिलित हो रहा है। और इसके पीछे कौल साहब का बहुत बड़ा है, हमारी नगर सेविका मैडम का है, और हमारे शेट्टे साहब का भी है, तो ये इनका सबके सहकार से ये काम हो रहा है। सर, चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है पहली, मतलब पहली ऐसी स्कूल है जिसने 3 महीने तक बच्चों की फीस माफ कर दी है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है स्कूल? कौल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा भार हल्का किया है उन्होंने, क्योंकि 3,000 बच्चे लोग का फीस माफ करना बहुत बड़ी बात है, और इनका जो समाज की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो इससे प्रतीत होता है। कोविड में भी इन्होंने बहुत काम किया है, कोविड में भी बहुत कैंप अरेंज किए हैं, डॉक्टर लोगों को मोटिवेट किया है कि आप आपके दवाखाने में बैठिए और लोगों को सेवा कीजिए। सो इनका उत्साह बढ़ाने का काम बहुत किया है, और उसी सामने रखते हुए कोविड से जो बच्चे लोग के पेरेंट्स को परेशानी है उसमें से उनको मुक्ति दिलाइए। देखिए, जैसे अभी सर ने कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी आह्वान किया है, और हम लोगों ने भी पेपरों में पढ़ा है कि जो महाराष्ट्र में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ब्लड जो है वो उपलब्ध हो पाएगा, और हर 14 दिसंबर को आपको पता है कि पिछले 12-15 सालों से चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर ये कार्यक्रम करते रहा है, और ये खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे साथ शिवसेना पार्टी ने भी ज्वाइन कर हमारे हाथ और मजबूत किए, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं तीसरी बार है ये ब्लड डोनेशन, तो शिवसेना की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला है आपको और चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल? मैंने कहा कि शिवसेना पार्टी आज अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है कि उनके कार्यकर्ता इतने सारे हैं कि उनके भी योगदान से काफ़ी कुछ हमें ब्लड बॉटल्स जमा करने में हमें मतलब काफ़ी सुविधा मिलेगी। और जो हमने इनिशिएटिव के बारे में सुना कि 3 महीने तक बच्चों की फीस माफ कर दी गई है, उस बारे में कुछ हमारी ऑडियंस नहीं, उसके लिए सिर्फ हम यही कहेंगे कि मैंने अपना शिक्षक का जो धर्म है वो पूरा किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, ब्लड डोनेशन और जो स्कूल की फीस माफ हुई है उस बारे में? पहले हमारे रक्तदान शिविर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि सर ने वाकई बहुत, मतलब ये कोविड काल में जो 8-9 महीने से सर ने हमें जो हेल्प की है, तो इसके लिए मैं सभी के सामने सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे जो हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला है उनका आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं, और सर ने जो 3 हज़ार लोगों की फीस माफ़ की है, इसलिए मैं वापस उनका अभिनंदन करूँगी। और हमारी शिवसेना पार्टी, हमारा वार्ड नंबर 59, हमेशा हमेशा इस वार्ड को हम लोग कुटुंब, मतलब फैमिली मान के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी जो हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, आज किसान संघ और मोदी जी का मीटिंग होने वाला, बहुत जरूरी मीटिंग है, आज डिसाइड होने वाला है कि क्या निर्णय होगा, तो क्या कहना चाहिए उस बारे में? क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये सामाजिक काम पहला हो जाने दीजिए। किसान तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये सामाजिक काम जो है वो आज की ज़रूरत है, इसके बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ने जो एक आह्वान किया कि महाराष्ट्र में आज ब्लड की बहुत कमी महसूस हो रही है इस कोविड के चलते हुए, उस माध्यम को हमने कंसीडर करके ये कैंप हर जगह, हर शाखा, हर विभाग, हमारी युवा सेना ये कैंप कर रही है,
और जैसे कि सावंत साहब, डॉक्टर सावंत साहब ने कहा कि शिवसेना एक गिनीज बुक पे रिकॉर्ड कर चुकी है ये ब्लड डोनेशन के कैंप के बारे में। और आप देखेंगे आज शिवसेना 55 साल के आसपास हुई है, 55 साल में कम से कम 45 साल में जब से हमने देखा है ब्लड कैंप ओनली शिवसेना करती आ रही है। जब जब महाराष्ट्र में ऐसी कमियां महसूस होती है शिवसेना इस मेडिकल ग्राउंड पे उतर कर, आज भी आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो 73 में फर्स्ट एम्बुलेंस जो है वो शिवसेना की थी। इस तरह से बाला साहब की जो देन है 80% सोशल वर्क और 20% पॉलिटिक्स, ये पूरी इसी तरह हम लोग काम करते हैं। इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी था ब्लड डोनेशन का? जैसे हमारे सीएम ने कहा है कि ब्लड की कमी महसूस हो रही है अभी महाराष्ट्र में, तो इस समय कितना ज़रूरी था इस तरह का इनिशिएटिव लेना? आदरणीय उद्धव साहब ने खाली केलं तर आम्हाला साहेब पूर्ण साहेबांची बघितलं ना पूर्ण घालू लागतात। आम्ही आदेश पाळणारे आहोत। परत उद्धव साहब ने जो आवाहन किया है हम सभी को, महाराष्ट्र में इस वक्त ब्लड का बहुत ही शॉर्टेज था, लेकिन ये आवाहन होते ही बिल्कुल 7 दिन में 28,000 ब्लड बॉटल महाराष्ट्र से शिवसेना के माध्यम से जमा किया गया, फिर भी उसकी कमी है। हम सब शाखा ने 6 महीने पहले भी कोविड के टाइम में हमने ब्लड डोनेशन के कैंप हर जगह पे लिए थे, साथ में हमारे साथ में अजय सर ने भी यहाँ पे अपनी तरफ से ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन का कैंप लिया था। अब फिर हमको आह्वान किया है, हमको आदेश दिया है, तो हमने फिर से कल ही युवा सेना के माध्यम से कल हमने कैंप लिया। आज एक कैंप है और 20 तारीख तक और 5 कैंप हमारे पास होने वाले हैं। तो हमने तय किया है कि पूरे वर्सोवा विधानसभा से 500 से ज़्यादा बॉटल ब्लड हम जमा करने वाले हैं। और जैसे साहब हमको आह्वान करते हैं, यहाँ पे हमारे शाखा प्रमुख बैठे, खुद कोविड का उन्होंने सामना किया है, खुद 14 करोड़ ऐसे हमारे कार्यकर्ता भी है, उप शाखा प्रमुख बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कोई डरे नहीं। आज भी आपको बताता हूँ कि गए टाइम जो लोगों ने वोट जिसने ब्लड डोनेट किया था उसमें से 75 लोगों ने फिर आज करने का सोचा, मतलब वो 6 महीने के बाद वापस कर रहे हैं। तो ये हमारा आह्वान, हमारे सीएम साहब बहुत ही अच्छी तरह से महाराष्ट्र में कोविड का बहुत ही अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं और इसकी तारीफ तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है और फिर साहब आह्वान करेंगे तो हम वापस 6 महीने के अंदर और ब्लड बैंक ब्लड कैंप। सर, इसके अलावा चिल्ड्रन वेलफेयर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर बच्चों की फीस 3 महीने तक माफ़ करने का विचार किया है इन्होंने, क्या कहना चाहेंगे सर इस इनिशिएटिव के बारे में? ये बहुत बड़ा डिसीजन है 3 महीने की फी माफ़ करना, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि टीचर का पगार देना है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लाइट है ये सब करना पड़ रहा है। स्कूल के भले स्कूल में लोग बच्चे लोग नहीं आते होंगे, लेकिन ऑनलाइन उनका पूरा एजुकेशन चालू है और ऐसे इसमें कोई स्कूल ने, मुझे नहीं लगता कि पूरे मुंबई में कोई स्कूल होगा कि उसने ऐसी तरह से 6-3 महीने की फी माफ़ की है। मैं अजय सर को बहुत बधाई दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लेके एक एग्जांपल सभी स्कूल के सामने रखा है। हर स्कूल में ये मांग है, लेकिन अजय सर ने पहला डिसीजन लेके मुझे लगता है कि अभी उनको मजबूर कर दिया है कि उन्होंने भी ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। सर, अजय सर आपसे और एक सवाल जानना चाहूँगा, जो डब्बे वाले हैं हमारे मुंबई के वो भी यहाँ पर आज आने वाले हैं, तो सर उस बारे में कुछ बताइए कि उनका किस तरह का इनिशिएटिव है और क्या मतलब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है ब्लड डोनेशन को लेकर? मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि हमेशा वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने सभी समाज के कामों में हिस्सा लिया है। और आपको पता होगा कि जो हमारी रोटी भाजी योजना चलती है
जो रोज़ हम लोग अलग अलग इलाकों में 100 लोगों के लिए जो खाना का प्रबंध करते हैं वो उनके ही ज़रिए बांटा जाता है। तो ये मेरे को लगता है अपने आप में उनको धन्यवाद करना चाहिए कि अपने रोज़ के काम को छोड़कर वो ये भी समाज सेवा कर रहे हैं, और ये पिछले 3 सालों से उन्होंने ये उपक्रम शुरू रखा है। तो ये सिर्फ उनकी बदौलत है कि हम लोग इतना सोशल काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। के बारे में और जो ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड बिकॉज़ हम लोग इतने साल से जुड़े हुए ये स्कूल और कॉलेज से, मैं खुद अपनी बात करता हूँ तो मैं सीनियर जूनियर केजी से यहीं पे हूँ, इनफैक्ट नर्सरी भी मैंने यहीं किया है। सो इतने सालों से अजय सर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत सर के साथ जुड़े हुए हैं, सो ये बहुत ही नीड ऑफ एन आर है आज के टाइम में। तो अगर ये हम सर लोग इनिशिएटिव लेके ये सब चीज़ कर रहे हैं इतने सालों से, तो कुडोज़ टू देम, थैंक यू बोलना चाहूँगा हम सारे एलुमनाई ग्रुप की तरफ से, क्लारा एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, और सर को जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, बिकॉज़ अभी हमने रिसेंटली भी सुना कि सर ने ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स की फ़ीस भी माफ़ कर दी है। तो हैट्स ऑफ टू सर, बिकॉज सोशल सर्विस में अगर सर से हमने कुछ सीखा है तो वो सोशल सर्विस करना सीखा है। तो इतने सालों में जितना भी उन्होंने हमें सिखाया है बहुत सारी चीज़ें, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट सर वंस अगेन, एंड जो बाकी के लोग भी कर रहे हैं सर के साथ जुड़े हुए हैं, वील कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड थैंक्स फॉर टेकिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स। थैंक यू। The need of the hour is exactly like, you know, due to the pandemic situation, blood is a very much important role, like, you know, everyone requires it, like considering the pallets and everything. But here sir has taken this initiative, this is I think the third time where on a regular basis he considers doing things as such by the situation. So definitely we all side up with sir, we side up for him, and we are always a part of his good work, and definitely we will keep up the good work with sir. बस यही कहना चाहूँगा सर, हम आपके साथ हमेशा है एज अ क्लारास एलुमनाई मेंबर सर, आपको जब भी हमारा ज़रूरत रहेगा हम एनी टाइम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर्वप्रथम मी अजय सर आभार मानीन, त्यांचे आणि जे इनोव्हेशन इथं केलेलं आहे शिवसेनावाल्यांनी त्यांचे प्रथम मी आभार मानीन की या ब्लड डोनेटमुळे सगळ्यांचं चांगलं होतं आहे, म्हणून मी त्यांचे खरोखर आभार मानीन। असेच कार्यक्रम राबत राहो त्यांनी अशी आम्ही त्यांना इच्छा व्यक्त करतो, व आमचे पूर्ण सहकार्य त्यांना लाभेल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो। आणि अजय सरांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर अजय सर सध्याच्या ह्याच्यात तर देव माणूस आहे, कारण कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी भरपूर असं अन्नधान्य केलं, गरिबांसाठी खूप काही केलं त्यांनी, म्हणजे या मार्चपासून ते या डिसेंबरपर्यंत त्यांनी भरपूर असं सहकार्य केलेलं आहे गरिबांना, आणि आमच्या कोळी लोकांना तर भरपूर त्यांनी, म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की, आणि आत्ता सध्या लेटेस्टमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिली शाळा असेल तर 3 महिन्याची फी त्यांनी माफ केलेली आहे, 3000 विद्यार्थ्यांची फी माफ केलेली आहे, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार मानतो। विसावा कोळी जमात ट्रस्ट, विसावा स्पोर्ट्स क्लब आणि वर्सोवा यूथ प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं त्यांचे खूप आभार मानतो। आणि खरं सांगायचं झालं तर आमचा जो हा ग्रुप आहे तो अजय सर आणि प्रशांत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही राबतो आहे, आणि त्यांचं भरपूर असं मोलाचं सहकार्य नेहमी आम्हाला असतं, आम्हाला कोळी लोकांनासुद्धा त्यांचं सहकार्य असतं, आणि आमचा आशीर्वाद त्यांना नक्की लागेल आणि त्यांना भरघोस आयुष्य देवो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आज हम बहुत सारे डब्बे वाले यहाँ पर, जो आदरणीय अजय जी कौल सर है, उन्होंने जो ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे रखा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब उन्होंने अपील की थी कि महाराष्ट्र में ब्लड का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। इस उनकी आह्वान को स्वीकार करते हुए मुंबई का डब्बा वाला आज आगे आया है, और मुंबई का डब्बा वाला और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक आह्वान करता है
कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लड चाहते हैं, लेकिन कोई ब्लड डोनेशन करेगा तो ही हमें ब्लड मिलेगा। तो हम चाहते हैं मुंबई डब्बा वाले की ओर से सबको हम आश्वासन कर देते हैं या सबको विनती करते हैं कि आप लोग भी ब्लड डोनेशन में आगे आए, ताकि ब्लड के माध्यम से हम और किसी की जान बचा सकते हैं। और मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद यहाँ पे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अदा करते हैं। और सम्माननीय अजय जी कौल सर, उनका हर वक्त लोगों के लिए, लोगों के संवाद के लिए या लोगों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ उनका योगदान रहता है। आज बहुत बड़ा योगदान है उनका ये ब्लड डोनेशन के माध्यम से यहाँ पर है। हम मुंबई डब्बा वाला अजय जी कौल सर, इनका ही धन्यवाद यहाँ पर अदा करते हैं, और उनके साथ जो टीम है उनका यहाँ पर धन्यवाद हम लोग अदा करते हैं। आप सब पत्रकार बंधुओं को भी हम लोग यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अजय कौल जी का दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे टीवी पर भी जो हमारे मुख्यमंत्री है या टोपे जी है, वो बोल रहे कि खून की कमी है, खून चाहिए है, ब्लड डोनेट करिए। और कोविड पीरियड में ऐसी हालात में भी अगर मैंने आज यहाँ देखे, मुझे हैरानी है कि इतने लोग यहाँ आज ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है ये अजय जी के जो काम है वो काम को देख के इन्होंने कहा हमारे सब स्टूडेंट और सब यहाँ आए हैं, और ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड बैंक में ब्लड ही ख़त्म हो जाएगा तो आगे जो ज़रूरत है कोविड के लिए या किसके लिए, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने वही कहा कि हम साल में ऐसे भी 2-3 बार ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, मगर कोविड पीरियड में होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से इनको यहाँ सबका सहकार्य मिला है, इसके लिए आखिर इनका काम बोल रहा है। और एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरे मुंबई में पहली स्कूल है जिन्होंने अपने स्टूडेंट की फीस जो है माफ़ कर दी है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? उसके लिए मुझे इससे मैंने नीचे भी जैसे कहा, मैं दिल से इनका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखेंगे हर एक स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स की जो हालत हुई है, एक तो उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में पूरे सारे चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, फिर भी फीस का वो पूरा बोलते कि पूरा भरना पड़ेगा, उस माहौल में इन्होंने 3,000 बच्चों के 3 महीने के फीस माफ़ कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसे लगता है इनसे लोगों ने सीखना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ इंसानियत भी रखे या कुछ उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचे कि आज जो वो मुसीबत से जा रहे हैं। मैं अजय जी को पहले प्रथम तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और लगभग 3,000 से ज़्यादा बच्चों लोगों की उन्होंने फ़ी माफ़ की है। आई थिंक इट इज़ एन हिस्टोरिकल डिसीजन डन बाय हिम एंड हिज मैनेजमेंट। आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड ही हैज़ टेकन अप अ गुड जॉब। एंड दिस मैसेज, ये मैसेज आसपास के और पूरे महाराष्ट्र और देश भर के स्कूल्स को जाना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है फ़ी भरने के लिए। मैनेजमेंट पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रही है, ऑनलाइन टीचिंग नहीं दे रही है। वहाँ पर एक अच्छा सकारात्मक मैसेज अजय जी के माध्यम से स्कूल प्रशासन को एक अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो इस प्रकार की डिसीजंस ले सकती है। और ये जो ट्रस्ट है, जो स्कूल चलाती है, वो उसको जो प्राइवेटाइजेशन का एक दौर दिया गया है वो ना देते हुए हम एक सोशल कॉज से काम करते हैं, ये एक अच्छा मैसेज दिया है। आज यहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र में आज खून की कमी है, और रोज़ ही हमारी सरकार हमें अपील करती है कि आप ब्लड डोनेट करो। एक दिन का या 2 दिन का सिर्फ ब्लड हमारे ब्लड बैंक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अजय जी एंड हिज एंटायर टीम, एंड ऐसा सकारात्मक कार्य उनके हाथ से आगे भी होना चाहिए। सर, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज आ रही है, तो आपको लगता है कि हौसला मतलब बढ़ता है ऐसे इनिशिएटिव लेने का? जरूर जरूर, हौसला तो बढ़ता है जब इतनी सारी बड़ी पर्सनालिटीज आके हमें आशीर्वाद देती है, हौसला ज़रूर बढ़ता है। Thank you so much.